गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.1 पढ़ना है। इसके पहले हम आपको त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बताए थे, उसके चार रूल्स भी बताए थे। क्राइटेरिया जो होता है भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण और समकोण कर्ण भुजा। आइए देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AC इक्वल टू AD दिया हुआ है। उसके बाद AB है वो कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ABD के सर्वांगसम है। और कह रहा है कि आप बताइए BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखिए ये सर्वांगसम है कि नहीं। हमने एंगल 1 और 2 मान लिया है, जो जैसे AB कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए हमने इसको एंगल 1 और इसको 2 मान लिया। जब समद्विभाजक है इसलिए बराबर भी है ना। आइए लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AB D में। ठीक है, पहले देखिए AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AD। ठीक है, ये क्या है दिया है, ठीक है दिया हुआ है। उसके बाद एंगल 2 ये भी दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए AB क्या है, AB दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो क्या हुआ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ ABD के बाय साइड एंगल साइड। ये तो आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आप BC और BD में क्या कह सकते हैं। तो यहां क्या हुआ, अतः BC इक्वल टू BD हुआ। ठीक है, क्यों, बाय CP CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से ये क्या हुआ, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC है और D एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA है। तो आगे सिद्ध कीजिए कि देखिए तीन चीज सिद्ध करना है इसमें, ये फिगर है आपका उसमें, उसके बाद ये सिद्ध करना है कि पहला वाला त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, फिर उसके बाद उसमें BD बराबर है AC के, फिर उसके बाद एंगल ABD इक्वल टू है BAC के। आइए जो त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दिया वो ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और BAC में लिख लीजिए आप। अब देखिए त्रिभुज ABD और फिर BAC। ठीक है, तो देखिए AD इक्वल टू BC ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाला कोण, ये पूरा ये कोण बराबर ये कोण है त्रिभुज ABD में, ये कोण और त्रिभुज BAC में ये पूरा कोण दोनों बराबर है। तो देखिए एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें AB क्या है, दोनों में कॉमन है, AB क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है तो क्या हुआ, त्रिभुज दोनों क्या हो गए, ABD सर्वांगसम हुआ BAC के। ठीक है, BAC के सर्वांगसम हो गया कैसे, बाई साइड एंगल साइड से भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो गया। फिर देखिए आप
कह रहा है कि क्या BD इक्वल टू AC है। BD इक्वल टू जब त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज क्या ABD, ABD सर्वांगसम हुआ BAC के, ठीक है। इसलिए BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू AC बाई CPCT, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी बराबर हो जाएगा बाई CPCT। ये सब क्या होंगे, प्रूव्ड हो गए, ठीक है। एक तरफ से एक ही बार में सब प्रूव्ड हो गए। देखिए ये वाला जो कोण है ABD, ये वाला जो कोण है वो इस वाले के कोण के BAC इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट बताते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए ये और ये दोनों बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये फिगर हमने बनाया है, हमने हमने ये सिद्ध करना है कि जो CD है वो AB को समद्विभाजित करता है, मतलब कि OB इक्वल टू OA है। ये सिद्ध कर देंगे तो ये इसका समद्विभाजक हो जाएगा। तो देखिए जो आकृति में ये OB क्या है वो लंब BC पर है और OA लंब CD है AD है। आइए पहले देखिए दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज ले लीजिए, क्या त्रिभुज DAO और त्रिभुज CBO में, चलिए देखिए। पहले तो आप देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों वो 90 डिग्री है। देखिए ये और ये बराबर है। फिर उसके बाद देखिए AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए ये इक्वल टू ये 1 और ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब क्या हो गया, त्रिभुज DAO सर्वांगसम हुआ त्रिभुज CBO के, वो कैसे बाई एंगल साइड एंगल। यहां पे देखिए दो कोण है, ठीक है, और एक भुजा है, तो एंगल साइड एंगल से कांगमेंट हो गया। फिर देखिए इसलिए OA इक्वल टू क्या हुआ, OB हो गया बाई CPCT। देखिए जब OB बराबर OA हुआ या OA इक्वल टू OB हुआ तो अतः हम लिख सकते हैं अतः CD रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, AB का समद्विभाजक है, ठीक है, प्रूफ बस हो गया। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA के, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए प्रतिच्छेदित करता है। चलिए एक L और M समांतर है और P और Q समांतर, जो L और M को समांतर रेखा या M को P और Q जो है वो क्रमशः यहाँ पे AD और B और C पर काटते हैं जिनसे एक आकृति फॉर्म करता है। तो यहाँ हमको दिखाना है कि ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA के,
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में। देखिए ये समांतर ये है, ये समांतर ये, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी वन इसको टू ले, थ्री इसको फोर ले, ठीक है। तो अब देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ठीक है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत है कांतर पर। और फिर एसी जरा देखिए आप, एसी क्या है, कॉमन है कि नहीं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ सी डी ए के बाई एंगल साइड एंगल कांगेंट कंडीशन हो गया, ये प्रूफ्ड, यही हमको प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए आप, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। रेखा L एंगल A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर बिंदु B से लंब डाले गए। सिद्ध करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्वेंट है AQB के, और फिर दूसरा वाला सिद्ध करना है कि जो BP है वो बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। ये आकृति है आपका, और जो L है वो A का समद्विभाजक है, इसका मतलब हम इसको एंगल APB इसको वन और इसको टू वन, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले दोनों त्रिभुज लेते हैं। ये जो दिया हुआ था वो हमने लिखा कि आकृति में L एंगल A का समद्विभाजक है और PB परपेंडिकुलर AP, देखिए ये जो BP है वो BP परपेंडिकुलर AP के हैं और फिर BQ परपेंडिकुलर AQ के हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया जो दिया हुआ था। फिर उसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है, पहला ट्रायंगल ABC तो हमने आपको बताया, तो आइए डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ABB और AQB में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप एंगल कौन सा, ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये 90 डिग्री की वजह से बराबर है। उसके बाद जरा आप देखिए ए बी इक्वल टू ए पी है कि नहीं, कॉमन, ठीक है, ये इक्वल है, और फिर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ये भी दिया है, ये दिया है, कैसे, कि चूंकि ए ए जो यल है वो कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो ए पी बी सर्वांगसम हुआ ए क्यू बी, ठीक है, कैसे, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से कॉन्वेंट हो गया, और क्या करना, ये तो पहला प्रूफ्ड हो गया, यहां लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या जो पीबी है बीपी इक्वल टू बीक्यू, ये तो बराबर हो गया, क्यों, बाई सीपी सीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, जब ये बराबर हो गया तो आता लिख क्या लिख सकते हैं, आता बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से
भुजाओं से समदूरस्थ है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए, आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, दी गई आकृति में AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD और एंगल BAD इक्वल टू EAC, तो दर्शाइए कि BC इक्वल टू DE। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये जो AC है वो AE के बराबर है और जो AD है वो AB के बराबर है और ये जो एंगल ये BAD है, BAD वो इक्वल है किसके, EAC के, ठीक है। तो ये देखिए पहले, क्योंकि आप देखिए एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के, ठीक है, EAC के। तो क्या देखिए, दोनों में हमको अगर हम दोनों ये वाला कॉमन जो है वो ऐड कर दें, ठीक है, DAC दोनों में जोड़ने पर ना, दोनों पक्षों में एंगल BAC जोड़ने का, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, एंगल BAD प्लस DAC इक्वल टू EAC प्लस DAC। अब आप देखिए BAD, BAD और DAC मिलके DAC और BAC हो जाएगा, BAC एंगल BAC इक्वल। अब देखिए EAC, EAC और DAC मिलके EAD हो जाएगा, ठीक है, EAD एंगल EAD हो गया, ठीक है, EAD हो गया। आइए हमको सिद्ध करना है कि ये जो एंगल BC इक्वल टू D है, ये BC जो है ये BC D के इक्वल है, ठीक है। तो दिया क्या है, आकृति में AC इक्वल टू AE है और AB इक्वल टू AD है और एंगल BAD इक्वल टू EAC है। चलिए यहाँ पे हमने प्रूफ में ये इतना लिखा, उसके बाद आगे देखिए, जो ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए, कौन कौन सा, BAC, BAC ले लीजिए और DAE ले लीजिए, त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAE में, ठीक है। तो देखिए जरा, AC इक्वल टू, AC इक्वल टू AE क्या है दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये अभी ऊपर हमने सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, सिद्ध है, मतलब कि ये बी ए सी डी ए ई, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ए बी है वो इक्वल किसके है, ए डी, ठीक है। तो क्या हुआ, त्रिभुज बी ए सी कॉन्वेंट हुआ डी ए ई के बाई साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से ये सर्वांगसम हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः BC इक्वल टू D, वो क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, CPCT, ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए,
अगर थोड़ी कोई दिक्कत हो देखिए फिर से, बस यहां तो यहां तक कुछ नहीं, यहां तक तो दिया हुआ है, बस ये इतना लाइन देखिए, ये बराबर ये दिया हुआ था ठीक है। और जब हम त्रिभुज बीएसी लेंगे, बीएसी जब बीएसी लेंगे तो ये पूरा कोण आएगा यहां से लेके यहां तक ठीक है, बीएसी मतलब ये पूरा आ रहा है। फिर जब उसके बाद त्रिभुज डीएई ले रहे हैं तो ये वाला पूरा त्रिभुज आ रहा है, ये यहां से यहां तक, ये जो कोण है वो यहां से यहां तक आ रहा है ठीक है। इसलिए हमने, और ये दोनों में बीएसी क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में पहले ये तो दिया हुआ था, यहां पे ये दिया था ठीक है, दिया है, उसके बाद दोनों पक्षों में हमने डीएसी को ऐड कर दिया ठीक है। तो यहां पे जब डीएसी को हमने ऐड किया तो ये बन क्या गया, बीएसी और डीएई, ये दोनों बन गया। और फिर हमने त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीएई ले लिया, दोनों को सर्वांगसम कर दिया, दोनों त्रिभुज को, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये BC इक्वल टू DE हो गया बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से ये सर्वांगसम हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।